LBK, राजस्थान। राजस्थान से संबंधित दस्तकारी, हस्तकला और उससे प्रचलित शब्दावलियाँ। शब्दावली जो है राजस्थान में हम हस्तशिल्प में और हमारे यहाँ राजस्थान में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला शब्द क्वेश्चन आ जाता है छींटे। छींटे क्या है? छींटे राजस्थान छींटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। छींटों का उपयोग स्त्रियों के ओढ़ने और पहनने के वस्त्रों में किया जाता है। ओढ़ने और पहनने के वस्त्रों में इसका प्रयोग होता है। छींटों के मुख्यतः छपकली यानी छपके वाली और नानद दो भेद हैं, छपके वाली और नानद। दो भेद कौन कौन से हैं? नानद। ये प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा छींटे का भेद है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक ऑप्शन कोई भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा आता है नग और नगीना। नग और नगीना, नग और नगीना जो है आभूषणों पर जड़े जाने वाले मूल्यवान पत्थर के कणों को कहा जाता है। मूल्यवान पत्थर होता है वो जो आभूषणों पर जड़ा जाता है, इसे नग और नगीना कहते हैं। जड़िया क्या है? जड़िया, जड़िया जो है नगों की जड़ाई करने वाला कारीगर है। किसे कहते हैं जड़िया? नगों की जड़ाई करने वाला कारीगर क्या कहा जाता है? जड़िया। नेक्स्ट प्रश्न होता है खेराद। खेराद क्या है? खेराद क्या है? खेराद की बात कर रहे हैं। खेराद ये है लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र, जिसमें किसी लकड़ी के गट्ठक को व्यवस्थित रूप से जमा करके, छील साफ करके चमकदार चिकनाई युक्त इच्छित आकृति दी जाती है। एक यंत्र होता है लकड़ी का, खराद भी जिसे बोलते हैं, जिस पर हम अपनी लकड़ी को मनचाहा आकार प्रदान करते हैं राजस्थान में। चेड़ा क्या है? चेड़ा, चेड़ा जो है चेला है तराजू के पलड़े। तराजू के पलड़े जो होते हैं चेला कहलाते हैं, ये वाले पलड़े। उसके बाद जो है ताकड़ी किसे कहते हैं? ताकड़ी, ताकड़ी बड़े तराजू को कहते हैं और नरज्जा छोटी तराजू को कहते हैं। नरज्जा छोटी तराजू को कहा जाता है। ढबल्या, ढबल्या किसे कहते हैं? ढबल्या शब्द जो है पलास, खजूर आदि की कामड़ियों से बुने हुए छाबड़े, जिन पर कागज और मेथी से कूट कर बनाई गई लुगदी, लुगदी को लेप करके जो ढबल्या बना दिया जाता है, एक बर्तन बना दिया जाता है। इसे इसका उपयोग हम किस काम में लेते हैं? अनाज भरने के, या कोई भी जो हमारा बर्तन काम आता है, सूखा बर्तन होता है, या चरखा काटने के बाद जो सूत वगैरह है वो इसमें रखने के लिए काम में लिया जाता है। इसे ढबल्या बोलते हैं, ढमोला भी बोलते हैं, ढकोल्या भी बोलते हैं, तीन नाम होते हैं इसके। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है बरंट। बरंट, बरंट किसे कहते हैं? बरंट जो है भीलों के द्वारा सामा झाड़ने हेतु काम में लिया जाता है। पतली नाव की आकृति का एक बांस होता है, नाव की आकृति का बांस होता है एक, इसे सामक झाड़ने के लिए काम में लिया जाता है, इसे बरंड बोलते हैं। टपारा, टपारा किसे कहते हैं? काल बेलियों के द्वारा सांप रखने का आपने देखा भी होगा एक ढक्कनदार पात्र होता है, उसे टपारा कहते हैं। इसमें वो सांप वगैरह अपना रखते हैं। छोलड़ा किसे कहते हैं?
बेलियों के पिटारे जैसे ढक्कनदार पिटारी जो कपड़े रखने के काम में आती है, इसे क्या कहते हैं? चोलड़ा कहते हैं। पिटारी होती है पिटारी जिसमें कपड़े रखते हैं। कंडो किसे कहते हैं? फल फूल भरने के लिए बनाई गई बांस की टोकरियां या टोरियां, इसका दूसरा नाम होता है चोली, चोली भी कहते हैं इसे। छाप छाजला या हुपड़ा, छाजला या हुपड़ा, छाजला या उपड़ा किसे कहते हैं? जो छाज होता है उसे कहते हैं। हुपड़ा सूप को भी कहा जाता है। सूप यानी छाज, अनाज जो है उसको झाड़ करके साफ करने का जो छाज होता है, इस आकार में इसमें अनाज रख के झाड़ा जाता है, इसे छाजला हुपड़ा या सुपड़ा भी कहते हैं। तीन नाम होते हैं इसके, हुपड़ा सुपड़ा या छाजला। डांगर, डांगर किसे कहते हैं? डांगर मरे हुए पशु को कहते हैं। मरने के बाद जो पशु होता है उसे डांगर कहा जाता है। जरबा, पेजार, पग रखी, पग रखा या मोचड़ी, इतने सारे इसके नाम होते हैं। जरबा, पेजार, पग रखी, ये सब जूती के प्रकार होते हैं। जूते के प्रकार होते हैं जो राजस्थान में जूते अथवा जूती के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे मोचड़ी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ जाता है, नई बार आया हुआ है प्रश्न। खाल्या, ये जो है छोटे बच्चों की घुंडी और उसमें तस्मे जो होते हैं उस वाली मोचड़ी को खाल्या बोलते हैं। पैजार, पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को क्या बोला जाता है? पैजार बोला जाता है। चौप वाली, चौप वाली, चौप वाली जो है विवाह उत्सव पर वर वधु के लिए बनाई जाने वाली जूतियां, इन्हें क्या कहा जाता है? चौप वाली कहा जाता है। दूल्हा दुल्हन की जो जूती होती है वर वधु की जूती को चौप वाली कहा जाता है। पेशूरी, ये क्या है? ये जो है शहरी व्यक्तियों के द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की जूती को पेशूरी कहा जाता है। सपाटा, सपाटा या लीतरा, ये भी एक प्रकार की जूतियों का प्रकार है। स्त्रियों की जूतियों को ये कहा जाता है, स्त्री जो पहनती है। सलीपट, सलीपट किसे कहते हैं? सलीपट महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली एक जूतियों का प्रकार है। अदरानी, पुरानी जूती को कहा जाता है। पटवा, पटवा जो है आभूषणों के विभिन्न प्रकार के डोरों में पोकर पहनने योग्य बनाने वाला कारीगर जो है पटवा कहा जाता है। जो पिरोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? पटवा कहा जाता है। महिलाओं के आभूषण को पिरो करके जो आभूषण बनाता है उसे। मालका, मालका, मालका किसे कहा जाता है? कांच की चूड़ियों को इकट्ठा करके डोरी में बांध देते हैं, एक डोरी में पिरो देते हैं, उसे मालका कहा जाता है। कात्र्या, कांच की चूड़ियां, कात्या जो है कांच की चूड़ियों को कहते हैं। चूड़ो, हाथी दांत, लाख, नारेली आदि से बने हुए चूड़ों को चूड़ो या चूड़लो शब्द का प्रयोग करके संबोधित करते हैं। ये है हमारी हस्तशिल्प से संबंधित या दस्तकारी से संबंधित सारी शब्दावली, जिनमें से दस्तकारी या हस्तशिल्प।
ये मैंने आपको अभी जो बताए सारे शब्द इससे जुड़े हुए हैं और अनेक बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये शब्दावली थी किसकी, इनसे जुड़ी।